तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड फैक्टर में। तो आज पवन कल्याण का 48 बर्थडे है और बर्थडे के दिन पवन कल्याण ने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है। तो आज पवन कल्याण की मूवी वकील साहब का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और 2 साल बाद पवन कल्याण ने फिल्मों में वापसी कर दी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वकील साहब मूवी की स्टार कास्ट, डायरेक्टर और इसकी रिलीजिंग डेट्स। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वकील साहब एक एक्शन ड्रामा और थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है वीनू श्रीराम ने। इन्होंने पहले भी 2004 की आर्या जिसमें अल्लू अर्जुन लीड रोल में थे और 2007 की मुन्ना जिसमें प्रभास लीड रोल में थे, ये ऐसी सुपरहिट मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं और म्यूजिक एस थामन के द्वारा दिया गया है। आपको बता दे, एस थामन ने पहले भी 2014 में आई फिल्म अगादू के मेन लीड में महेश बाबू थे। इस मूवी में इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिल चुका है। अब बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो मूवी में आपको देखने मिलेंगे पवन कल्याण, निवेता थॉमस, अंजलि और प्रकाश राज। वकील साहब बॉलीवुड की हिट फिल्म पिंक की तेलुगु रिमेक है जो आपने देखी ही होगी। फिल्म में वकील साहब एक वकील है जो 3 महिलाओं की मदद करेंगे और न्याय के लिए उनकी लड़ाई का फैसला कराते दिखेंगे। इस मोशन पोस्टर में वकील साहब काला कोट पहने, एक हाथ में बेसबॉल का बल्ला, दूसरे हाथ में किताबें लिए एक बेहतरीन अंदाज में खड़े हैं। तो हमें बाहरी स्रोत से पता चला है पवन कल्याण मूवी वकील साहब के लिए पर डे 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो अब बात करें इसके रिलीजिंग डेट की, तो आपको बता दें कि ये मूवी 15 मई को रिलीज होने वाली थी पर कोरोना और लॉकडाउन के वजह से इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया था और अभी तक इस मूवी की नई रिलीजिंग डेट नहीं आई है। तो जैसे हमें मूवी के बारे में कुछ भी न्यू अपडेट मिलते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।